गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए, आप में से होमवर्क किसने किसने नहीं किया है? सविता। आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? क्या कहूँ? एक्चुअली सर, बिजली चली गई थी। अरे तो मोमबत्ती जला लेती। सर मोमबत्ती तो पूजा घर में थी ना, तो वहाँ से ले आती। सर मैं पूजा घर में कैसे जाती, मैं नहाई नहीं थी ना। अरे पापा नहाई क्यों नहीं थी? सर नल में पानी नहीं था। तो मोटर चला लेती। सर मोटर बंद थी ना। तो क्या हुआ? सर मोटर बंद थी बोला ना। तो मोटर बंद क्यों थी? सर आप बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, बहुत भूलते हो। पहले मैंने कहा था शुरू में। क्या? अरे शुरू में मैंने कहा ना बिजली गई थी, अगर बिजली गई थी तो मोटर कैसे चलेगी। अच्छा अब तुम चली जाओ, बैठ जाओ। बहुत हो गया। अच्छा फर्नांडिस मान लो आपके पास दो रोटी है, जी सर, जी सर, दोनों आपने खा लिए। हाँ। क्या बची? सर मैंने दोनों रोटियां तो खा ली, फिर बची क्या? सब्जी ही ना। अब जाने दो, मैं अच्छे बच्चों से प्रश्न पूछूंगा। अच्छा डोनिल्ला जी सर, खड़ी हो जाओ। जी सर। और मेरे प्रश्न का एकदम सीधा जवाब देना। जी सर। गिनती आती है कि नहीं? वो तो बहुत आसान है, आती है सर, पूछिए ना। तो एक से दस तक गिनती सुनाओ। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस। छह कहाँ गया? सर छह तो मर गया। कैसे? सर कल टीवी पे बताया छह की मौत हो गई। सारे बच्चे बिगड़ गए। अच्छा अंजू खड़ी हो जाओ और मेरे प्रश्न का एकदम आसान सा जवाब देना फटाफट। जी गुरु जी, मैं एकदम फटाफट उत्तर दूंगी। तो हमारे देश का राष्ट्रपति कौन? फटाफट। क्या बोला? आपने तो बोला फटाफट उत्तर देना, फटाफट बच जा, फटाफट फटाफट उत्तर देना है, सोच समझ के दो। अच्छा निखिल अब तुम खड़े हो जाओ। जी सर। अच्छा ये बताओ। बोलो सर। मान लो। मान लिया। अरे मैं कहता हूँ मान लो। मान लिया। आपके पास दस सेब है। जी। कितने सेब है? दस। उसमें से आपने पांच खा लिए। जी। तो कितने बचे? दस 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 दस। अरे दस। अरे सर दस बचे। अरे वह कैसे? सर आप गुस्सा तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, मुझे आता ही नहीं। पूछो का बिल्कुल मत। एकदम नहीं। देखो मुझे सेब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? सेब पसंद ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे आप पसंद है। सेब योगिता को पसंद है। हमारे बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए। बैठ बैठ जाओ एकदम। ओके सर। क्लास में बहुत शांति। अच्छा फ्लाविया अब आप खड़ी हो जाओ। मैं? हाँ आप खड़ी हो जाओ। मेरे प्र...
प्रश्न का एकदम सीधा सा जवाब देना। देती हूँ ना, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। पूछो ना। किसके लिए? जवाब देने को। मान लो आपके सामने अकल और पैसा दोनों मिल रहा है, तो आप किसे चुनोगी? पैसा और किसको? मैं होता तो अकल चुनता। अभी क्या करते, जिसके पास जो नहीं है वही चुनेगा। मैं तो पैसा ही चुनूंगी ना। सही जवाब दो तो भी बैठते बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, अब प्रश्न पूछना बहुत हो गया, हम लोग ना कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, समथिंग डिफरेंट। आर यू रेडी बच्चों? तो सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? पीछे पीछे। मैंने पीछे पीछे बोलने के लिए कहा। अरे पीछे पीछे आ रही। तो सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? पीछे पीछे। दिल्ली में कुतुब मीनार है। 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 अरे भाई खाना वाना नहीं खाया क्या? जोर से बोलो। दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। यार ध्यान दो सर। चलो अब प्रश्न का जवाब दो। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कुत्ता भी बीमार है सर। दिल्ली में कुत्ता बीमार है। दिल्ली में कुत्ता बीमार है। सॉरी सर। बहुत हो गया। क्या यही सिखाया हमने आप सभी लोगों को? नहीं सर, आपने हमें सिखाया टीचर्स को इज्जत करना और बड़ों को इज्जत करना। शाबाश वली साहब, बैठ जाओ। वेरी गुड। टू वैल्यू पीपल। ओके, बहुत अच्छा। टू बी पंक्चुअल। टू बी ऑनेस्ट। ओके सविता, बैठ जाओ। सबका सम्मान करना। ओके, बहुत अच्छी बात। टू लव एवरीवन। ओके, वेरी गुड। To work hard and study well. Okay, super Manju. To be caring. बहुत अच्छा योगिता। To be obedient. Oh, Nikhil. Super, super. Thank you, sir. तो देखा बच्चों? तो इन्हीं सारे गुणों को हम सभी को अपनाना है। और मुझे तो पूछा ही नहीं सर आपने। पूछा ना? नहीं पूछा। मैं बोलू क्या? बोलो बोलो। ठीक है। सेव योर नेचर एंड सेव योर मदर अर्थ। टू लिव लव एंड लव, लीव एंड लेट लिव। सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं सारे नैतिक गुणों को आप सभी लोगों को अपनाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, चाइल्डहुड डेज आर द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ्स, सो एंजॉय देम टू द फुलेस्ट। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर, दिस इज द टाइम फॉर यू ऑल टू फॉर्म योर वैल्यूज and imbibe lessons for life. Happy Children's Day!